देश में फैली कोरोना वायरस के प्रति ननखड़ी का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। डॉक्टर सुशांत का कहना है कि हमने आइसोलेशन वार्ड भी बनाया है, अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो हम पूरी तरह से तैयार है। और लोगों से आवेदन भी किया गया है कि लोग अपना विशेष ध्यान रखें और अपनी सफाई रखें, और बताया जा रहा है कि जागरूक अभियान को फॉलो करें, अमल करें ताकि हम स्वस्थ रहें पूरी तरह, और सरकार से भी अपील की है। सबसे पहले तो मैं आपका लाइव टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस मुहिम के तहत हमें पूछने भी आए हैं और अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को इस बारे में। कोरोना वायरस जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे इंडिया में कितना ज़्यादा फैल चुका है, और इसके लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड अलग से बना रखा है, और इसके साथ कोई भी पेशेंट बाहर से आ रहा है उसकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री लेते हैं, फिर स्क्रीनिंग होती है उसकी, और अगर उसमें अभी सिम्टम्स है नहीं है फिर भी हमने आशा वर्कर को बोल रखा है कि उस पर नज़र रखें, अगर आपको लगता है कोई भी सिम्टम्स है तो हमें आके रिपोर्ट करें जितने जल्दी हो सके। और जैसे कि एक थोड़ा लोगों में हवा फैल रखा है कि मास्क सबने पहने, इससे बेटर है। मास्क सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए है मैक्सिमम, जो लोग हम पेशेंट से डील करते हैं। इसमें यह है कि मास्क पहने से अच्छा बचाव करें, जहाँ क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ जाएं ही मत, उसमें मत जाएं। सैनिटाइज़र का भी, हैंड वॉशिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग आप करते रहो, घर में रहो, जाओ मत कुछ देंगे, एक दो हफ्ते की बात है, उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन मंदिरों में, क्राउडेड प्लेसेस में, कोई जगराते में जा रहा है, कोई ये जा रहा है, इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है, हम कोई 24 घंटे तैयार है। कोई भी पेशेंट इस तरह का आता है तो उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, जब भी कोई आएगा इस तरह से हम उसको हेल्प ही करेंगे। बाकी कोई, अगर आपके टीवी के माध्यम से ही सबको बोलना चाहूँगा मैं कि अगर कोई किसी को भी कोई लगता है खांसी जुकाम तो सबको, अगर सांस में तकलीफ इस तरह कोई सिम्टम हो और साथ में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, कहीं बाहर से आया है कोई भी, किस आपको पता है वो बता नहीं रहा है, कई लोग छुपा रहे हैं इस चीज़ को, आपके पड़ोस में, हाँ भी ये दिल्ली गया था या चंडीगढ़ गया था, कहीं भी गया था, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है। इस तरह से ही मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। बाकी ननखड़ी से रामगोपाल शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।